हम तो सलाम के बाद अल्लाह ताला का दरबार में जल्ला जलालहु व अल्लाह दरबार में और तमाम तो हाजिर का नाम शुक्र है इसके खुशी से जो एहसान से हम बार बार जाते हैं हाजिर हैं खाल के कायनात अल्लाह जलालहु इसी तरह इस्लाम और इस्लाम की मान वाला बहुत अच्छा क्या भी कदर माह रमजान शरीफ का जो खैर है और अपनी रहमतों को समझते हुए ले गया असल इम्तिहान रमजान के बाद शुरू होता है असल इम्तिहान रमजान के बाद यानी जब पेपर होते हैं तो फिर उसके बाद प्रतीक्षा नहीं करता रहता कौन पास हुआ कौन फेल हुआ तो रमजान शरीफ उस समय है कि बच्चे थे पेपर थे तो नाम के बाद पता चलता है किसका हजार रुपए दिए हैं और किसका हजार रुपए दिए थे बाकी कबूलियत वो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तआला को जानता है इसके कबूल हुए इसके कबूल नहीं हुए लेकिन असल दर्द जो है काम के बाद ही पता चलता है तो ये निशान है कायनात का आपके कायनात अल्लाह तआला ने जो निजाम कायनात बनाया ये पहले पेपर लिए जाते हैं और सवाल का जो है वो जवाब नहीं दिया जाता दुनिया में दुनिया के पेपरों का लेकिन ये इस्लाम का हुसन है दीन इस्लाम में महबूबे करीम अलैहिस्सलाम ने हमें सवाल भी बताए हैं सवालों का हल भी बताया है दुनिया के आप बच्चे जाते हैं पेपर करते हैं तो आपको सिर्फ सवाल करते हैं तो जवाब आप नहीं बताए जाते हैं जवाब आप खुद तैयार करते हैं वो सही है वो गलत है लेकिन इस्लाम और दीन इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया कि ये रास्ता दुरुस्त है ये रास्ता गलत है ये करोगे तो जन्नत में चले जाओगे ये करोगे तो दोजख में चले जाओगे इतना काम करोगे तो इतना अजर होगा उतना काम करोगे तो इतनी सजा होगी या जजा होगी दुनिया में ये ईमान वालों के लिए आसानियां पैदा कर दी ये अब तेरी मर्जी है कि तू सवाल भी तेरे सामने है जवाब भी तेरे सामने है तुझे इख्तियार दे दिया गया है जन्नत वाला बंदा है या दोजख वाला बंदा है बंदे को इख्तियार दे दिया गया अब बंदे की अपनी सोच है उसकी अपनी जहन शादी है और अपनी फिक्र है गौरव फिक्र है तदब्बुर है बहरहाल आज हम इसी जिमन में एक हदीस के बाद जो बुखारी और मुस्लिम शरीफ में भी है मिश्कात शरीफ में भी है बड़ी प्यारी हदीस के बाद है कि कयामत वाले दिन जब सारी कायनात के साए खत्म हो जाएंगे जब कायनात में कोई साया नहीं होगा फकत अल्लाह की रहमत के साए के अलावा तो उस वक्त उस साए में अल्लाह किन किन लोगों को अपने रहमत के साए में जगह अता फरमाएगा ये आप जानना
उन सब खुश नसीबों का जिक्र करेंगे जो कौन से खुश नसीब हैं महबूब अलैहिस्सलाम ने उनका कुरान दिया बड़ी गुजार के साथ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सब आदम युज़िल्लुहुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला इल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया कि क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होगा अल्लाह की रहमत के साए के अलावा, और उस रहमत के साए में सात शख्स खड़े होंगे उनका जिक्र महबूब वाले साहब ने फरमाया। सबसे पहला इमाम आदिल आदिल बादशाह है, दूसरे नंबर पे बताया शाह अशाफी इबादुल्लाह, वो जवान जिसने अपनी जवानी को तकवे की लगाम देकर गुजारा। तीसरे नंबर पे बताया राजू कल्ब हो मोहल्ला को मिल मस्जिद, वो बता जिसका कल्ब जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। चौथे नंबर पे फरमाया वो दो दोस्त जो अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती करते हैं उनका मिलना भी अल्लाह की रज़ा के लिए उनका जुलाना भी अल्लाह की रज़ा के लिए। चौथे और पढ़ते ताज़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रजुलन सकरल्लाह खालियन फ़ाफ़ात आइनाहु, वो शख्स जो तन्हाई में बैठा अल्लाह को याद करते करते अल्लाह का जिक्र करते करते उसका खौफ जारी हो गया हो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और फरमाया छठे नंबर पे रजुल दाहुल इमरातुन, रजुल दाहुल इमरातुन ऐसी औरत जो सारो हस्म व जमाल गुनाह की दावत दे जवाब होते को और वो आगे से जवाब दे दिया था हमारा और ये भी अल्लाह के अल्लाह का अपना काम था मैं अल्लाह से डरता हूँ इतनी अता होता। सातवें नंबर पे मैं राजू हूँ तो सदा का इस सदा का के माते हत्ता लगा पाया शिमाल हो ना उन्हीं को यमीन हो और मैं ऐसा करता जो सदका करता है छुपके और छुपके इतना करता है कि दाएं आपने दिया है तो बाएं को पता ही नहीं। ये सात बंदे हैं जिनका हदीस पाक में अल्लाह पाक के महबूब अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाया। अब हम एक एक की थोड़ी थोड़ी उदाहरण करते हैं। सबसे पहले खल्क कायनात ने ये इरशाद फरमाया कि सबाहुम युज़िल्लुहुल्लाहु कि अल्लाह की रहमत के साए के अलावा क्या हमारे दिल को साया नहीं आता। अब इस साए से मुराद ये साया नहीं है, ये बड़ी काबिल बात है। साया आदमी तौर पे एक माती चीज होती है और एक तरफ रोशनी आई और मातियत की वजह से वो रोशनी दूसरी तरफ साया नहीं आती तो दूसरी तरफ साया आ जाता है। जैसे हम धूप में खड़े हुए हो और इस तरफ से सूरज आ रहा हो और हमें लग रहा हो सुनाए और हमारे अंदर से नाश ना करती बल्कि एक तरफ साया आ जाता है एक तरफ रोशनी है ऐसे दीवार है अल्लाह आजम क्या हो जो भी बाकी चीज है कसीफ चीज है उस पे रोशनी डाली जाए तो दूसरी तरफ साया बन जाए तो इस साये से मुराद ये साया नहीं। यहाँ जो साये का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम के महबूब अलैहिस्सलाम बता रहे कि साया रहमत का साया वो ऐसा साया नहीं होगा जैसे दरख्त का साया होता है दीवार का साया होता है औरत का साया होता है तो ये उसकी शान के लायक उसकी खालिक होने के लिहाज से साया है। और इसी तरह कायदाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है सूरह इस्लाम का साया नहीं था इसे बाद में उन्होंने का साया नहीं था लेकिन लोग किसी ने कहा है कि लोग कहते हैं
कि तेरे दिन पर का सारा हिस्सा मैं तू ऐसा हूं सारे अरहाम में सारा है तेरा। तो इस साए से कुरान और साया नहीं, जो साया होता है बंदे का किसी चीज का, उस साया उसका खालिक होने के लिहाज से और महबूब अलैहि सलाम का महबूब होने के लिहाज से, मखलूक होने के लिहाज से साया अपनी तरह का असली अल्लाह होता है। लेकिन अल्लाह की रहमत का साया कैसा होगा ये वो जानता है कि जब कोई भी साया नहीं होगा, सूरज सुबह देने पे होगा और हर कोई अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, प्यास की शिद्दत से जुबानें बाहर आ रही होगी, लेकिन उस वक्त भी अल्लाह ऐसे सात बंदों को अपनी रहमत में जगह का बताएगा। उनमें से उदूर फरमाते हैं ईमान पहला जो है वो आसिर होता है। इस्लाम में आवाम की खिदमत का कितना दर्जा है, खिदमत खल्क का इस्लाम ने कितना दर्जा रखा है, सियासत दीन के ताबे करते बता हुक्मरान सियासत को दीन के ताबे करके गुजार रहा हो। और हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई हुक्मरान हो और वो आदिल भी हो, अदल का निजाम भी कायम करे, और मैं एक इंसान पर फैसला करता है तो आप लोगों से बाकी उसे ज्यादा जवाब होगा। इतना बड़ा दर्जा है इमाम आदिल का, जो अदल करने वाला आदिल बादशाह है, इंसाफ करने वाला बादशाह है। तो फरमाया कि अगर आदिल बादशाह अदल करने वाला एक फैसला हक का कर दे तो अल्लाह का हक से ज्यादा अल्लाह उसको अदल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं वो दीन का अल्लाह है और ये पसीने का अल्लाह रहता है। देखा है ये चार पांच दिन पहले लद्दाख में क्या हुआ था, वो चीन की वो साहब को इन्होंने इंडिया की आर्मी ने दूर किया तो उन्होंने पकड़ लिया इंडिया की आर्मी और उनकी चीखें निकल रही होते। तो ये वो साबित करते हैं आजादियां जो है नदियों से या नावों से या नगरों से नहीं मिला करती, आजादी के लिए बंदे को हिम्मत करनी पड़ती है। इमाम फरमाया गया हाल के कायनात का अल्लाह तआला ने जो हुक्म बोल दिया है आदिल बादशाह को, ये वो कयामत वाले दिन अल्लाह की रहमत के साए के नीचे खड़ा होगा। दूसरे नंबर पे शाह फरमाया शाह व शाफी इबादुल्लाह, वो जवान जिसको जवानी पे नाज है, वो जवान जिसकी जवानी रुकती नहीं, उसकी ताकत और शबाब का उसे नशा नहीं टिकने देता। और मैं अपने शबाब और ताकत को तकवे की लगामें पहना के गुजारता है तो अल्लाह उसको भी रहमत का साया आता है। अल्लाह, बड़ा औखा काम है, ये बड़ा मुश्किल सा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। ग्रामी का नजर तवज्जो फरमाए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे से आपके जवान की बात होगी ना, किस जवान ने जवानी तकवे के साए के तले गुजारी, जवानी को लगाम भी हो। जमाना किसका जमाना, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना। और आपने जिस वक्त सुबह दरबार में देखा वो जवान नजर नहीं आ रहा जो सारे हर रोज मेरे पास बैठा करता था, और मैं आपको किधर गया किसी ने कहा वो रोज आप हो गया, मुझे बताया कि उसकी कब्र का हम भी रात को जनाजा सारा कुछ कर दिया, आप गए उसके इंतकाल हुआ। हजरत फारूक ने तो बड़े तशवीश नाल बताया यार कर तो था, बताओ हुआ क्या उसके बाद जान को हुआ क्या है, तो उसके बाद में हम बुलाया गया। तो जब वालिद आया तो कहा नहीं क्या हुआ तेरे बच्चे को, उसने कहा हुजूर होना क्या है, वो एक लड़की के इश्क में पागल था और जब इशा की नमाज पढ़ के आ रहा था तो वो सारे राह खड़ी हुई थी और उसने दावत ना दी उसको,
तो उसके पीछे चल पड़ा। तो जैसे ही वो रास्ते में गया, अभी वो मंजिल पर नहीं पहुंचा था कि उसके बकौल मेरे बच्चे ने मानते हुए ही हमें बताया है कि मेरे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। उसने गुनाह दी और मैं उसके पीछे चल भी पड़ा इरादा है गुनाह करके, लेकिन अभी मैं मंजिल पे नहीं पहुंचा था, अलहदा मकान में नहीं पहुंचा था, अभी चल रहा था कि चौक में अल्लाह का मुझे खौफ दारी हुआ और इतना खौफ दारी हुआ कि मैं करीब मर हो गया और उसी हालत में उसकी मौत वाकई हो गई। उसी हालत में अल्लाह जल्ला शान ने फरमाया अल्लाह की मदद और बिना वसा قائم من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون اللہ رب العزت اللہ شاہ نے فرمایا الذين تقوا وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں کبھی اگر شیطان ان کو برگلا بھی لے شیطان ان کو اپنے چال میں پھنسا بھی لے لیکن پھر کیا ہوتا ہے ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان جب شیطان کے وہ جنگل میں پھنس جاتے ہیں تذکروا اللہ کو یاد کرتے ہیں فیضا مبصرون اللہ پردے اٹھا دیتا ہے فیضا مبصرون پھر جب وہ خوف داری ہو جاتا ہے اللہ پردے اٹھا دیتا ہے اب اس کی موت معافی ہو گئی ہوگی۔ حضرت حضرت یاد فرماتے ہیں تو یار وہ بندہ تو بڑا اعلیٰ قسم کا بندہ چلو نا اس کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کی موت کمال والی موت ہے اللہ کے خوف پہ وہ مر گیا، اس کی قبر کی زیارت کے لیے چلو۔ جب قبر پہ گئے حضرت حضرت یاد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کو کہتے ہیں کہ جوانہ اللہ کا فرمان ہے وہ اللہ جنتا جو اللہ کے خوف سے مر جائے اللہ سے ایک نہیں دو جنتیں عطا کرے گا، ایک نہیں دو جنتیں۔ اچھا میں تیرے لیے دعا کرنا ہوں اللہ تجھے دو جنتیں عطا کر دے۔ روایت میں آتا ہے اس نے قبر سے آواز آئی خیر سے دعا کی ضرورت نہیں، امیر المومنین اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا کر دی ہے۔ تو یہ ہے جوان جو تقوی کے سوائے کے طرح زندگی گزارتے ہیں اور تقوی کی لگامیں پہنا کے رکھتے ہیں، جو جوانی نہیں رکھتی، یہ مسکانی نہیں رکھتی، اور یہ جو مستی اکنے دن دیتی جوانوں کو۔ تو فرمایا اس کو ایسے لگامیں ڈال پھر قیامت کا دن ہوگا بڑے بڑے تاجور سورج کے شعاعوں میں اور دھوپ میں وہ جھلس رہے ہوں گے جس جوان نے جوانی تقوی کے سائے تلے گزاری ہوگی اور اللہ کی رحمت میں پڑا ہوگا سائے کے تلے پڑا ہوگا۔ اور کیا مقدر تیسرا مرتبہ میرے بابو علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جو قلب ہو معلق بالمسجد، فرمایا وہ بندہ جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، مسجد میں لٹکا معلق کا مطلب ہوتا ہے لٹکا رہنا، جیسے گردین لٹکی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا دل جو ہے مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ معلق کا مطلب یہ ہے کہ یہ فجر پڑھ کے گیا بیٹھا تو دکان پہ ہے لیکن زہر کے انتظار میں ابھی عذاب ہو رہا ہے پڑھنے جائے سبحان اللہ۔ اب زہر پڑھ کے کیا ہے تو اس کا ذہن اس کے خیالات اثر کی طلب میں ہے، بیٹھا تو گھر میں ہے لیکن اثر پڑھ کے کیا تو کہتے یار تیار دیکھو مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے میں مغرب پڑھنی ہے میں نے، یعنی مسجد کے ساتھ اس کا پیار اتنا ہے محبت اتنی ہے کہ اس کا دل جو ہے مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اور اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے ایسے نہ سمجھو اللہ کا ہمسایا بن کے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کا پڑوسی ہوتا ہے جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں نظام عطا کیا۔ یہ تیسرے بندے کا ذکر ہے کہ خیال مسجد میں رہتا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ باہر ہو اور خیال مسجد میں ہو، ایک بندہ وہ ہے مسجد میں ہو خیال مار کے بیٹھا ادھر ہے خیال مکان سے آ رہا ہے جی
ये बंदा नहीं बल्कि बंदा वो है बैठा दुकान पे तैयार कर सकते हैं सुभान अल्लाह बैठा कारोबार कर रहा है लेकिन टाइम देखता है यार पास में चले जल्दी करो ना चले जो दिल उसका वक्त में लगता है उसका वकार नहीं लगता तो ये है राजुलु कल्बुहु मुअल्लिकुन बिल मस्जिद इसका दिल मस्जिद में लगा है वो भी क्या बता के रखा है आपके साहिब यानी कदर चौथा बता ताजदारे कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो आलम तहाबा फिल्ला इजतमा अलैहि व तफरक अलैहि फरमाया दो बंदे अल्लाह की रजा के लिए दोस्ती करते हैं जब मिलते हैं तो अल्लाह के लिए जब बिछड़ते हैं तब भी अल्लाह के लिए मकसद और कोई होता लेकिन आज तो हर किसी के तालुक के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है कोई ना कोई मकसद जरूर होता है अपना अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह को खुश करने के लिए कौन दोस्त क्या बनता है तो गिरामी कदर सूरत हाल ये है कि फरमाया गया है रवायत में जो अल्लाह के लिए एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करता है और ये ताल्लुक फिल्ला ताल्लुक बिल्ला जो है ये किस अंदाज में होता है इमाम का मुकद्दी का ताल्लुक हो उस्ताद का शागिर्द का ताल्लुक अल्लाह के साथ नहीं होता है पीर का मुरीद का ताल्लुक अल्लाह के साथ नहीं होता है ये ऐसे ताल्लुकात हैं जिनका ताल्लुक बिल्कुल दुनियावी मकासद से नहीं बस अगर कोई किसी की तासीम करता है तो ये आधा होता है चलो यार ये अल्लाह का बंदा है इसकी तासीम करता है अल्लाह की रजा के लिए तो हमें क्या वाले दिन अल्लाह इनको भी अपनी रहमत का साया मार लेकिन यहाँ तक के आया है कि जो दोस्त आपस में अल्लाह की रजा के लिए इकट्ठे रहते हैं मिलते हैं रिश्ते हैं अल्लाह की रजा के लिए वो मर भी जाए तो अल्लाह दोनों को इकट्ठा रखे और दुनिया से चले जाए तो मशर में भी उनको इकट्ठा रखेगा क्यामत वाले दिन जन्नत में दोनों दोस्तों को अल्लाह का फायदा मिलता है ये दोस्ती यहाँ तक नहीं है ये क्यामत तक और जन्नत तक का साथ है लेकिन वो दोस्त जो अल्लाह की रजा के लिए दोस्ती करे ये नहीं ये तो बस अब खर्चा हो गया तो दोस्ती खत्म हो गई मेरे काम नहीं आता तो दोस्ती खत्म हो गई ये दोस्ती तो मतलब की है और ये तो मतलब कर है लेकिन अल्लाह की रजा के लिए लाजुदान तहाब अल्लाह पांचवें नंबर पे अल्लाह के बाद वाले सलाम फरमाते हैं लाजुदान सकर अल्लाह खालियन फसादत आईना वो बंदा जो तन्हाई में बैठ के यानी अजमन में मजलिस में बैठ के नहीं तन्हाई में बैठा हुआ है और क्या है कि वफादत आईना जिक्र करते करते अल्लाह का खौफ आ गया और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए आंसू जारी हो गए और मैं अल्लाह उसको भी अभी आंखों का साया आ रहा दिखाने के लिए नहीं दिखाने के लिए नहीं बात नहीं में बैठ के मोटे मोटे आंसू निकाल के भी बड़ी दुनिया देख रही है बंदा बड़ा थोड़ा को दुआ करता है ना बल्कि उसके दिल में ख्याल भी नहीं वो तो आई में बैठा हुआ है फादिया अकेला बैठा है अल्लाह का जिक्र करते करते फसाद पाएगा उसका नाम उसने आंसू जारी हो गए आंसू जारी होने से हृदय से भी आंसू आने का साया आता है आए गिरामी कदर छठे नंबर पे मेरे महबूब वाले साहब फरमाते हैं लाजुन ताहु इमरात जात असबीन व जमाल ऐसा बंदा जिसको आप मानते नहीं बल्कि ऐसी और जो हसन नसब वाली थी उस नौजवान वाली थी बड़ी खूबसूरत थी उस नौजवान की पैकर थी अमीर थी उस बीबी ने बंदे को होता होता बुला दी कहा आजा मेरा ख्वाहिश पूरी कर दे लेकिन इस बंदे ने जवाब दिया कि से जवाब क्या दिया इतनी या साफ हुआ मैं अल्लाह से डरता हूं मैं अल्लाह से डरता हूं मुझे अल्लाह का खौफ है तो फरमाया अल्लाह ऐसे जवान को भी अभी रहमत का साया आता है दावत गुनाह हो और वो असल असल की बात हो उसको जवान की बात होती है मौका भी हो लेकिन इसके बावजूद अब
अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करता, अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डरता है। ऐसा जवान एक बीवी इसी तरह कपड़े की दुकान पे चली जाती है और बुजुर्ग फरमाते हैं वहां जाके कपड़े की खरीदारी तो मार की बात है, वहां मुलाजम जो था हाजर था वो कपड़ों से क्या कितना हुस्न जमाल का मेकअप था, हकीकत में वो अल्लाह का वली था। और जवान जिसके जमीने नियाज अल्लाह की बारगाह में झुकने वाली थी, तो वो जवान बैठा हुआ तो उसकी नजर पड़ गई। उसने कहा कपड़े तो लेते हैं आप, आने के बाद इसको भी लेके जाते हैं। उसने काफी कपड़े पैक करवा लिए, वजनी काम हो गया। उसने उसको कहा कि अपने इस खादम को, इस मुलाजम को मेरे साथ भेज, मेरे घर में ये छोड़ा है जरा बाने के साथ। उसने कहा ठीक है ले दो बीबी, ऐसे लाओ लाया। तो गिरा भी कदर जब वो कपड़े उठा के जवान उसके घर में डाल दिया, उसने रोका देखा कुंडी लगा दी। अब जवान के कपड़े रखे तो उसने कहा भी कपड़ों की तो बात की बात है, ये तो वादा मुझे लाने का था, मेरी ख्वाहिश पूरी कर। अब ये डर गया, अल्लाह का खौफ जागी हो गया, अल्लाह का बंदा था। इसने कहा भी मैं करता हूँ लेकिन मुझे एक लम्हे ही लेनी चाहिए, पांच पांच में लैट्रिन में जाने जाने। अब आप लैट्रिन में गए और वहां उसने नलाजत अपने कपड़ों पे पाली, अपने जिस्म पे पाली, मुंह पे पाली। आप दिल में ख्याल है कोई बात नहीं, ये मान ले तो क्यामत वाले दिन अल्लाह तुझे रहमत का साया था। अब नलाजत भक्ति कौन पे पाली गई, तो जब सामने आप बीबी को इतना इज्जत है तो उसने बदबू को देखा, उसने कहा तब हो जाता हूँ ऐसा पता निकल गया। जब चला गया ना घर जाके नहाया तो बेसारी की इत्र लगाने की जरूरत नहीं, लोग कहते हैं उससे इतनी खुशबू आती थी वो दुनिया से चला भी गया तो उसकी कदर से भी खुशबू आया। ये है अल्लाह का पाव अच्छा कर लेने या फिर पानी पा लेने, ये शैतान की सोच है। कर लिए दुआ फिर से ही पानी पा लेना, कर लेते हैं फिर पानी पा लेना, नहीं नहीं वक्त का तो पता नहीं, एक लम्हे का होता है, एक लम्हे का होता है। उनसे पूछना जो पी आई ए के हादसे में बेचारे फौत हो गए, मारे गए, एक आपसे प्लान था उस जहाज में आपके रंग के लिए, आपसे प्लान था उसने 15 सितारे छाए थे और फ्लाई किया हुआ था अमेरिका के वीजे के लिए, बड़ी देर से विजन वीजे के लिए। अब इस जवान ने जो अमन था 15 सितारे सुना के इसका वीजा लग गया, तो अब ये था कि ये इस्लामाबाद से फ्लैट पकड़ी कराची गया और कराची से सीधी फ्लैट जो है वो गोवा गई, कतर गई। तो वहां से अमेरिका की जो वैसी थी उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं ये तो बिजनेस का वीजा है, ज्यादा कोरोना है, लिहाजा ऐसा बंदा अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता। एक बंदे को फिर उसी जहाज में वापस भेजा लाहौर और ये पी आई ए की फ्लैट में रहते हैं और ये जुमे वाले दिन डालते रोजा पे, उसको पता था मैंने अमेरिका जाना है कि कहीं और जाना है, एक लम्हे